सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि एक हेलमेट है और मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अमेजोन से पार्सल तो आया था, मगर बॉक्स पूरा ख़राब कर दिया था उन लोगों ने। तो अभी मैं इसको इसके अंदर से आप लोगों को हेलमेट दिखाऊँगा कौन सा वाला है। ग्राफिक्स तो नहीं है, मगर इसका जो कलर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अभी हम इसको ओपन करते हैं। बाकी बॉक्स की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो फाइनली यहाँ पे अपना ये वाला जो हेलमेट है एक्सोर का, देख सकते हो आप लोग। बॉक्स को अभी रख देते इस तरफ। सो गाइस, कुछ इस तरीके से ये लोग बैग देते हैं इसके अंदर, तो देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसको अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर कुछ डैमेज हुआ या नहीं हुआ इसकी वजह से। तो अभी मैं इसका दूसरी बार इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखाने के लिए YouTube फैमिली को। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वाला अपना हेलमेट है, जो कि एक्सोर का मैंने मंगवाया हुआ है। तो इसकी प्राइस वाइज सब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगा। तो इसके अंदर आप लोगों को ये वाला वाइज़र मिल जाता है, जो कि एकदम प्लेन है, और इसके अंदर एंटी फॉग वाला भी यहाँ पे वाइज़र मिल जाता है। इसका ये स्पॉइलर है, जो कि यहाँ पे पीछे फिट हो जाएगा, तो इसको भी मैं आप फिट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और इसके अंदर दूसरा ये भी मिलता है हम लोगों को, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियम वाला स्टिकर है और एक्सोर का ब्रांडिंग का एक स्टिकर भी मिल जाता है हम लोगों को। और ये भी है, ये चीज़ बहुत ही काम की चीज़ है। हमारा ब्लड ग्रुप जो भी कैटेगरी का होता है ना, वो इसके अंदर हम यहाँ पे हेलमेट पे लगा सकते हैं। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो जान सकते हैं इसका ब्लड ग्रुप कौन सा वाला है। और दूसरा वाला ये छोटा वाला भी है अभी, जो कि ये वाला है यहाँ पर पीछे फिट हो जाएगा, और ये वाला जो स्पॉयलर है वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग अभी बाद में फिट करते हैं। और इसका स्पॉयलर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। बाकी देख सकते हो स्पॉइलर की क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिट करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी पैडिंग भी कितनी शानदार है गाइस। यहाँ पे इसके पैडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। और जो मैंने अभी अपना जो हेलमेट मंगा है ना, वो जो साइज़ है ना, वो एम साइज़ है गाइस यहाँ पर। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मुझे एस साइज़ परफेक्ट आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं है, एम साइज़ परफेक्ट फिट है। तो एक बार आप लोग मंगवाए तो परफेक्ट इसको चेक करके मंगवाना गाइस। और यहाँ पे आप लोगों को सन वाइज़र भी मिल जाता है यहाँ पे, जो कि ये वाला रहा, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे इसका ये वाला है, जो कि यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ से ये वाला भी है, जो कि हेलमेट के अंदर सफोकेशन ना हो उसकी वजह से, और यहाँ पर ऊपर भी दिया हुआ है गाइस। बाकी इसका मैं आप लोगों को, सो गाइस, बाकी यहाँ पे आप लोग इसका लुक देख सकते हो कितना शानदार दिख रहा है। यहाँ पे इसका जो ब्रांडिंग है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो इसका कलर है वो ब्लैक ग्लोसी है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रहा है। और पीछे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सेफ्टी रेटिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जो वेट है ना वो 1600 ग्राम है। और इस सो गाइस, इसकी पैडिंग यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पे देख सकते हो अंदर पूरा फिट यहाँ पे हेलमेट आ जाता है। और इसका मैं सिनेमेटिक शॉट भी आप लोगों को दिखाऊंगा और पहन के भी दिखाऊंगा कि कैसा लुक इसका आ रहा है गाइस अभी। सो गाइस, अभी हम इसका स्पॉइलर जो पीछे है वो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को इसका लुक दिखाऊँगा। सो गाइस, फाइनली ये वाला यहाँ पर पार्ट फिट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ा वाला स्पॉइलर है, यहीं है, यहाँ पर आ जाएगा गाइस। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे अपना स्पॉइलर ये वाला यहाँ पे लग चुका है। तो बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है गाइस। और एक बात इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि आप लोग इसके अंदर ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसके क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे
यहाँ से और यहाँ तक इसके ब्लूटूथ रखने की यहाँ पे स्पेस भी दी हुई है इसके अंदर, बाकी आप लोग देख सकते हो। तो इसके थोड़े से सिल्वरिक शॉट है तो उनको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इसका भी स्टिकर हम लोग यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका लुक यहाँ पे कैसा आ रहा है और कैसा दिख रहा है।